सो हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। दिस इज राशिद, बीएमएस थर्ड ईयर स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एडमिशन को लेके, कि एडमिशन कैसे होता है, कैसे कॉलेजेस को आपको सेलेक्ट करने हैं और कैसे नहीं करने हैं। तो अभी भी बच्चों के डाउट्स बहुत सारे रह गए हैं, तो मैं सबको रिप्लाई देना टाइम रहता नहीं, तो मैं सोचता हूँ कि 5 मिनट की वीडियो में आपको बता दिया जाए सारी चीजें। तो अभी कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्या बीएमएस में संस्कृत होता है, और होता है तो कितना टफ होता है, मतलब कवर हो पाता है या नहीं। मैंने कभी संस्कृत नहीं पढ़ी है, मैंने उर्दू पढ़ी है, क्या मैं बीएमएस कर सकता हूँ, बीएमएस में क्या वाकई में इतना स्ट्रगल है क्या, और बीएमएस की सैलरी कितनी है। तो यार देखो, इतने सारे क्वेश्चन का मैं जवाब पहले भी दे चुका हूँ, ठीक है। जब देखते नहीं है पुरानी वीडियो तो मुझे फिर दोबारा से बनाना पड़ता है ये सब। तो क्या चाहो, पांचवा पॉइंट जो था सैलरी का, तो सैलरी का तो भाई मैंने आपको बता दिया है। सैलरी सुन के बहुत लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं और कोर्स बदल लेते हैं, ऐसा नहीं है। अभी तुम पूरी बातें सुनो, पूरी बात आप लोग सुनते नहीं हो, वीडियो स्किप कर देते हो, इसलिए आप लोग आधी अधूरी बात आप लोग समझ पाते हो। तो बस आज हम इन्हीं पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दिया जाए, अगर आपको इंडिया में कहीं भी एडमिशन स्पेशली उत्तराखंड और यूपी में कॉलेज चाहिए, तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, वहां पे जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर फिर भी नहीं होता है तो इंस्टा का लिंक है, वहां से आप लोग डायरेक्ट मैसेज करो, आई विल रिप्लाई, आई विल हेल्प यू। ओके, पहला क्वेश्चन था बीएमएस में संस्कृत होता है और कब तक होता है। तो बीएमएस में देखो, संस्कृत होता है फर्स्ट प्रोफ में, तुमको जो फर्स्ट तीन प्रोफ होते हैं, 1.5 ईयर, 1.5 ईयर, 1.5 ईयर, ठीक है, इतने का कॉलेज होता है और एक साल का इंटर्नशिप होता है। 6 महीना तुम्हारे कॉलेज में होगा और 6 महीना गवर्नमेंट कॉलेज में, कहीं भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। तो संस्कृत होता है तुम्हारे फर्स्ट प्रोफ में। फर्स्ट प्रोफ में जो संस्कृत होता है वो बिल्कुल संस्कृत का बुक होता है, उसमें हिंदी पढ़नी होती है, संस्कृत श्लोकास पढ़ने होते हैं, ती था अंति, सी था मी व म, ये सारी चीजें तुमको पढ़ना होता है, पठती पठान पठावी, ठीक है, ये सब चीजें। तो ये सब थोड़ा कंफ्यूजिंग, अगर तुम एडमिशन लेने वाले हो तो ये सब चीजें बेसिक्स ऑफ संस्कृत तुम यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ सकते हो, ताकि तुम जब कॉलेज में जाओ तो तुम्हारे संस्कृत बिल्कुल ईजी हो जाए। तो 1.5 ईयर जो तुम पढ़ोगे उसमें तुम्हारा संस्कृत एक सब्जेक्ट ही होगा जो चलता रहेगा, जिसके दो पेपर के एग्जाम होते हैं, ठीक है, एक में तुम्हारा संस्कृत होता है पूरा और दूसरा पेपर होता है इतिहास का। पहले स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, अगर तुम बेसिक्स पढ़कर आओगे कॉलेज में तो तुम्हारा परफॉर्मेंस काफी अच्छा होगा, क्योंकि अदर सब्जेक्ट्स जो होंगे, अष्टांग हृदय, पदार्थ विज्ञान, इसके बुक्स हिंदी में अवेलेबल हैं और इंग्लिश में भी अवेलेबल है, लेकिन जो वर्ड्स हैं वो हिंदी में ही रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम पढ़ रहे हो वायु, ठीक है, हिंदी में लिखा है वायु, तो इंग्लिश वाले बुक में एयर नहीं लिखेगा, वहां भी वायु लिखा होगा, वी ए वाई यू। तो इस चीज से मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, इंग्लिश और हिंदी इसमें दोनों है। तो जो मॉडर्न पार्ट होगा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी फर्स्ट प्रोफ में, वो इंग्लिश में होगा, उसमें इंग्लिश की बुक्स पढ़ी जाती हैं, ठीक है, बिल्कुल मॉडर्न जो एमबीबीएस में चलता है। लेकिन जो आयुर्वेदिक्स बुक होंगे वो हिंदी में होता है और हिंदी में ही पढ़ना होता है। हाँ, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन वाले बुक होते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया वायु पृथ्वी ये सब है ना, तो ये इंग्लिश में लिखा होगा तो पी आर आई टी एच वी आई ऐसे लिखा होगा, वी ए वाई यू ऐसे लिखा होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एयर लिखा होगा, अर्थ लिखा होगा, नहीं, जो इंग्लिश है वो हिंदी का ही मिलता जुलता होगा। तो आप लोग हिंदी पढ़ोगे ना तो बेहतर होगा। और एक चीज बता दूं आपको, जो भी श्लोकांश होंगे, वर्स होंगे, जैसे स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन चे, तो ये एक श्लोक है, ठीक है, वर्स है, तो ये जो होगा ना संस्कृत में ही होगा, चाहे तुम इंग्लिश बुक पढ़ो चाहे हिंदी पढ़ो। अब साउथ वाले क्या इंग्लिश पढ़ते हैं, लेकिन जो ये वर्स मैंने अभी बोला, ठीक है, स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम, तो ये जो वर्स है हिंदी में, संस्कृत में सॉरी, तो ये संस्कृत में ही होगा, ठीक है, ये इंग्लिश बुक ले लो चाहे हिंदी ले लो, ये तुमको संस्कृत में ही मिलेगा और उसी फॉर्म में तुमको लर्न करना होगा। तो ये है तुम्हारा संस्कृत और हिंदी। और ये सुनो एक और बात, जो हिंदी और संस्कृत है, संस्कृत सब्जेक्ट सिर्फ फर्स्ट प्रोफ में है, लेकिन जो हिंदी है और ये जो मैंने श्लोक बोला, जो संस्कृत में वर्स लिखे होंगे, ये सारे फाइनल ईयर तक तुमको, मतलब फाइनल प्रोफ तक तुमको ऐसे ही मिलेगा, श्लोक में ही मिलेगा, हिंदी मिलेगा। तो हाँ, एक और क्वेश्चन रह गया था, क्या फाइनल ईयर तक संस्कृत ही पढ़ना है क्या? नहीं, संस्कृत तो फर्स्ट ईयर तक पढ़ना है, लेकिन हिंदी और वर्स जो है संस्कृत में लिखे हुए वो तुम्हें फाइनल ईयर तक पढ़ना है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि तुम फर्स्ट ईयर में आयुर्वेद पढ़ लिए, सेकंड में मॉडर्न पढ़ रहे हो, थर्ड में मॉडर्न पढ़ रहे हो, नहीं, मिक्स है, 50-50% का रेशियो होता है, ठीक है, 40-60 ऐसे करके। और एक और था कि मैंने कभी संस्कृत नहीं पढ़ी, देखो मैंने कभी संस्कृत नहीं पढ़ी, ये एक्सक्यूजेज है और इसमें कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि डजंट मैटर, अब ऐसा थोड़ी कि तुम बीएमएस पहले करके आए हो, ठीक है, तुम पहले स्केलेटन पढ़ के आओ, तुम पहले डाइसेक्शन करके आओ, नहीं, पहली बार ही करोगे तो जो उस टाइम पे पढ़ता है वो अच्छा कर लेता है। अब जैसे प्राइवेट कॉलेज का क्या सीन है, 520 नंबर वाला भी तुम्हारे साथ पढ़ रहा है, 136 नंबर वाला भी तुम्हारे साथ पढ़ रहा है। तो जब बीएमएस स्टार्ट होता है ना, तो ये बिल्कुल हिंदी है, सबके लिए नया होता है, एक आध बच्चे होते हैं जिनको संस्कृत आता है, सबकी गाड़ी एक साथ स्टार्ट होती है ट्रैक पे, ठीक है, लेकिन वहां से जो मेहनत करता है वो लास्ट तक खींचता है और सबसे आगे पहुंचता है, ठीक है। तो डजंट मैटर कि आप 136 नंबर वाले हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में सब आएगा, सब याद होगा, अगर आप मेहनत करोगे तो गाड़ी जल्दी खींच पाओगे, ठीक है, तो पेट्रोल जल्दी खत्म हो जाएगा और तुम खत्म। और बीएमएस अब इतना आसान नहीं रहा है जैसा कि पहले हुआ करता था, कि ऐसे ही कॉलेज वाले बुलाते थे, जाओ एडमिशन ले लो,
गवर्नमेंट में, प्राइवेट में तो बिल्कुल कम फीस में होता था। ऐसे ही कर लिया बीएमएस, कोई एग्जाम नहीं, अब तो एग्जाम देके प्रॉपर नीट के थ्रू आते हैं बच्चे, उसके बाद फिर तुमको नेक्स्ट देना है, नेक्स्ट क्वालिफाई करोगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा तब तुम प्रैक्टिस कर पाओगे, और उसके बाद फिर देन पीजी करोगे, उसके लिए भी एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो एक्सक्यूजेस है कि मैंने कभी संस्कृत नहीं पढ़ी, क्या मैं बीएमएस कर पाऊंगा, इसका जवाब आपको शायद मिल चुका होगा। उसके बाद है मैंने उर्दू पढ़ी है तो क्या मैं बीएमएस कर सकता हूँ? हाँ ऑब्वियसली कर सकते हो, चाहे कुछ भी पढ़ा हो उससे मतलब नहीं है, ना पढ़ा हो और अच्छा है। उर्दू मैंने ही पढ़ी थी तो क्या मैं नहीं सीख पाया? बहुत अच्छा सीख पाया, बहुत अच्छे उच्चारण है मेरे, तो उर्दू से कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कोई से भी पढ़ के आए हो यहाँ पे आओगे तो मैंने जैसे बताया कि सब 136 वाला भी आपके सामने है और ये 520 नंबर वाला भी आपके साथ पढ़ रहा है। अब कर लेते हैं स्ट्रगल। तो देखो ये यार एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बीएमएस में क्या स्ट्रगल है क्या, क्योंकि हो सकता है उसके जानने वाले या फिर किसी ने बताया हो कि बीएमएस मत करना, इसमें स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, सैलरी बहुत कम है। ठीक है, तो देखो सैलरी वाली बात तो जिसने ही बताई है 20-25 हज़ार वो सही बताया, बिल्कुल परफेक्ट 20-25 हज़ार मिलता है। मैंने ज्यादा ही बोल दिया यार, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनको कुछ नहीं आता है, वो तो यार 15,000-10,000 पे रखता है, जिनको आता है बच्चे वो 25,000 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 25 से तुम 50 खींच सकते हो, और होता है कि मतलब एक साल में तुम्हारा बढ़ता है पैसा, ऐसा नहीं है यार 25 से 35 होगा और क्या होगा 35 से। इसलिए तुम गवर्नमेंट के चक्कर में रहो, एक बार गवर्नमेंट निकालो, क्योंकि वहां से तुमको जब पीजी निकालोगे ना गवर्नमेंट में तो वहां से तुमको 3 साल का रिलीफ मिल जाएगा, 3 साल स्टाइपेंड मिलेगा, वहां से कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, तो अच्छे से तैयारी करके तुम एमओ का एग्जाम निकाल लो। और एमओ का एग्जाम जो है हर साल तो होता नहीं है, कभी उत्तराखंड में 12 साल के बाद आता है, कभी 10 साल के बाद आता है, अब अगला बार पता नहीं कब आएगा कोई नहीं जानता है। यूपी का भी, यूपी में ठीक है आता जाता रहता है, आते रहता, बिहार का भी हाल खत्म है, तो एमओपी के भरोसे भी हम लोग नहीं रह सकते हैं। प्राइवेट क्लिनिक में भी है, स्टार्ट करने के लिए तुमको स्टार्टअप चाहिए, पैसा चाहिए बहुत ज्यादा, तो एक तरह का स्ट्रगल ही है यार। क्योंकि यहाँ पे देखो जब तुम यहाँ से इस फील्ड में आओगे बीएमएस में स्टार्ट करोगे पढ़ाई करना, तुम्हारा कंपेरिजन होता है एमबीबीएस के साथ, तुम आयुर्वेद वाले हो, तुमसे एक गलती हो जाएगी ना, एक जरा सी भी गलती हो गई तो सीधा वो लोग कहेंगे कि बीएमएस वाला ही होगा, कोई सी भी गलती हो गई तो ऐसे बीएमएस वाला बोल के तुमको फंसा देंगे। ठीक है, उसी से हुआ होगा, ऐसा नहीं बनना, इसलिए आप लोगों को पढ़ाई करना है ताकि खुद तो अच्छा बने और बीएमएस का नाम भी बना के रखना। कहते हैं ना कि हाँ तुम इस फील्ड में हो, तुम उस फील्ड को रिप्रेजेंट करते हो, तुम जाके बाहर गोल्ड मेडल लाओगे, इंडिया के लिए लाओगे, ठीक है, तो तुम पूरे अपने देश को रिप्रेजेंट करने बाहर जाते हो, वैसे ही तुम अपने बीएमएस कोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कहीं भी हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, इतना तो नॉलेज होना चाहिए भाई कि तुम कम से कम मैनेज कर सको, मेंटेन कर सको। तुम अगर पूरी पढ़ लेते हो 5 साल ना, तो तुम्हारे पास अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा कि तुम हॉस्पिटल में जब जाओगे तो तुम्हें सारी चीजें समझ आएंगी। बाकी बीच बीच में जब तुम्हें वैकेशन मिलते हैं तो ये सब आइडिया तुम ले सकते हो मुझसे, बीच बीच में जब वैकेशन मिलते हैं तो तुम हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हो 1 महीने के लिए, या फिर किसी डॉक्टर के पास जाके अपने शहर में उनसे बात करोगे कि प्लीज मुझे रख लो, मुझे कुछ सिखा दो, लोग जरूर हेल्प करेंगे यार, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, तुम मिलोगे बात करोगे तभी कोई हेल्प करेगा, ऐसे नहीं है कि तुम्हें कोई आके घर पे बोलेगा कि चलो चलो मैं तुम्हें हेल्प कर देता हूँ, तुम्हें सिखा देता हूँ प्रैक्टिस, ऐसा नहीं है, तुम्हें थोड़ा हाथ पैर मारना पड़ेगा, इसी का नाम बीएमएस है। और ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस में स्ट्रगल नहीं है, एमबीबीएस में बहुत स्ट्रगल है, जो प्राइवेट से करके आ रहा है वो एफएमजी क्लियर करता है, फिर इंटर्नशिप करता है, फिर उसका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि एमबीबीएस में भी सैचुरेशन आ रहा है धीरे धीरे और आ ही चुका है, क्योंकि एमबीबीएस प्लेन एमबीबीएस को कोई नहीं पूछ रहा है, अगर तुम पीजी किए हो एमडी मेडिसिन एमएस अब तुम्हें कोई पूछ रहा है, प्लेन एमबीबीएस के पास कौन जाएगा सर्जरी कराने, कोई नहीं जाएगा, तुम खुद नहीं जाओगे। ठीक, इसलिए अपना भी एक लेवल बना के रखना है, तुम्हें भी सिर्फ बीएमएस तक नहीं रुकना है, आगे पीजी करनी है। अगर तुम्हारे पास बैकग्राउंड है बीएमएस में, अगर तुम्हारे घर डॉक्टर है तब कोई दिक्कत नहीं है, प्लेन बीएमएस करो, प्रैक्टिस करो, आप हॉस्पिटल में लग जाओ, लेकिन अगर तुम्हें प्राइवेट क्लिनिक खोलनी है, अगर शुरू से अपना अंपायर बनाना, तो बहुत टाइम लग जाएगा, 10 साल 15 साल भी लग सकते हैं, 25,000 से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वो 25 से 1,25,000 भी हो सकता है अगर तुमने मेहनत की तब। स्ट्रगल तो है इसमें, मैं नहीं कहूंगा दो राय नहीं है, तुम्हें अपना रास्ता खुद निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए तुम सोचो समझो और कोर्स बिंदास ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 10 लोग रोकेंगे मत, अपना तुम एडमिशन ले लो। ठीक है, बात करते हैं सैलरी। सैलरी चलो एक बार और बता दे, 25,000 सैलरी है। ठीक है, स्टार्टिंग में जैसे तुम बीएमएस कंप्लीट करते हो 25,000 पे तुम्हें कोई रख लेगा, वहाँ पे जॉब में ले लेना और अपना प्रिपरेशन करना पीजी का, जिस दिन निकल जाए पीजी उस दिन अपना छोड़ देना जॉब, उसके बाद जब पीजी में जाओगे 3 साल स्टाइपेंड उठाना, वहां से काम सीखना, फिर अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल देना, इससे तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, नहीं तो किसी हॉस्पिटल में लग जाना यार 50,000-60,000 धीरे धीरे कमाते कमाते जब एक्सपीरियंस हो जाएगा, एक्सपीरियंस होने के बाद ही क्लिनिक ओपन करते हैं, और क्लिनिक कहाँ ओपन करते हैं ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, ज्ञान बहुत ज्यादा हो गया, आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। बिल्कुल डरना नहीं है कि संस्कृत है हिंदी है नहीं समझ पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बहुत इजी है, मैंने किया आप लोग भी कर सकते हो, 0 से 0 बच्चा भी कर लेता है यहाँ पे आके अगर मेहनत करे तो, अदरवाइज बेकार है, तो तुम्हें मेहनत नहीं करना है। अगर तुम 6 से 8 घंटा नहीं पढ़ सकते हो, क्लास नहीं कर सकते हो 8 घंटा का, 6 घंटे का क्लास नहीं कर सकते हो, प्लीज एडमिशन मत लेना, क्योंकि बस पैसा बर्बाद है, 20-25 लाख रुपया जाएगा और लास्ट में कुछ हाथ नहीं आएगा, 15,000 का जॉब हाथ में एक पन्ना डिग्री आएगा और कुछ नहीं, इस चीज का बिल्कुल ख्याल रखो, पैसा
पैसा बर्बाद करने मत आना, पढ़ना हो मेहनत करना हो तो आना। अदरवाइज बहुत सारे कोर्स है, बीपीटी है, बीएससी नर्सिंग है, बीएमआरआईटी है, बीएमएलटी है, मेडिकल है, वहाँ जाओ वहाँ कोर्स करो, थोड़ा कम मेहनत है ठीक है, लेकिन स्ट्रगल तो हर जगह भाई ठीक है बस। और भी अगर आपके डाउट्स हैं तो इंस्टाग्राम ये हैंडल से आप लोग मैसेज करो और अपने डाउट्स ज्यादा से ज्यादा पूछो ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं, क्योंकि मैं अभी पढ़ रहा हूं, मुझे पता है, मुझे चीजें पता है कि, और जब मैं यहां से निकल जाऊंगा बीएमएस के बाद तो मैं फिर आपको पुराना चीज बताऊंगा ना, लेटेस्ट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अभी जो चल रहा है वो मुझे पता है, मैं क्या फेस कर रहा हूं, क्या बच्चे फेस कर रहे हैं वो मुझे बता रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं ठीक है। तो इसलिए फिर जब तक मैं हूं तब तक आप लोग कोशिश करो, उसके बाद क्या पता बीएमएस कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं वीडियो बनाना छोड़ दूं, या फिर बाकी जो है डाउट्स आप लोग इंस्टा पे मैसेज करो, आई विल हेल्प। फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, सी यू।